हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य होम्योपैथी में। दोस्तों, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिंग वॉर्म के बारे में। रिंग वॉर्म यानी कि दाद, यह क्या होता है, कैसे होता है और इसे ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाएँ। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह समस्या है, अगर आप रिंग वॉर्म की पुरानी समस्या से पीड़ित हैं तो वीडियो में बने रहें, इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। ऐसे लोग जो पुअर हाइजेनिक होते हैं, जो साफ सफाई का ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोगों में यह समस्या हो जाती है। दोस्तों, रिंगवॉर्म को मेडिकल की भाषा में डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। यह टीनिया का इन्फेक्शन है, इसे टीनिया इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह कई प्रकार का होता है। अगर दाद आपके बालों में हो गया है तो इसे टीनिया कैप्टिस बोलेंगे। अगर दाद आपके जनांगों के बीच में हो गया है तो इसे टीनिया क्रूरिस बोलेंगे। अगर दाद आपके उंगलियों के बीच में हो गया है तो इसे टीनिया पेटिस बोलेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं जिनके इस्तेमाल से आपको टीनिया इन्फेक्शन में अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, हमारी पहली मेडिसिन है टेलूरियम 30। अगर आपके शरीर में दाद पूरी तरीके से फैल गया है, छोटे छोटे चकत्ते मिल करके बड़ा आकार ले चुके हैं, आप इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो आप टेलूरियम 30 का इस्तेमाल 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम सीधे जीभ पर करें, इससे आपको अच्छा आराम मिलेगा। हमारी अगली मेडिसिन है बैसिलिनम 200। आप बैसिलिनम 200 की 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम सीधे जीभ पर इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों, अगर इन्फेक्शन में आपको जलन बहुत तेज हो रही है, आप खुजला रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है और बर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल करें, इससे आपको अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आप साफ सफाई का अच्छे तरीके से रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, पुअर हाइजेनिक हैं, तो आप सल्फर 30 का इस्तेमाल करें। मॉर्निंग में आप 3 बूंद सीधे जीभ पर लें, इससे आपको अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन है सोराइनम 1 एम। दोस्तों, सोराइनम 1 एम आपको वीकली सप्ताह में एक बार मॉर्निंग में 5 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है। ऐसे लोग जिनको गर्मी, थोड़ा सा भी गर्मी होने पे समस्या बढ़ती है, तो ऐसे लोगों में सोराइनम अच्छा काम करेगी। दोस्तों, आपको सोराइनम वीकली सप्ताह में एक बार सीधे जीभ पर लेना है, इससे आपको अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्सटर्नली यूज के लिए डर्मो आइंटमेंट। आप एक्सटर्नली इन्फेक्टेड पार्ट पे लगा सकते हैं, यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यह क्लिनिकल वेरीफाइड है, मैंने कई पेशेंट में यह यूज किया है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर इन दवाओं से आपको अच्छा आराम नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।